नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एपीपीएससी विद केके। जैसा कि सभी को मालूम है, हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश का दैनिक करंट अफेयर्स, और आज है 19 जुलाई 2020 और हम लोग डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। परंतु इसके पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ जो लोग इस वीडियो, इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे अन्य लेक्चर की पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर की। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मिला हजारों टन सोने का भंडार। जी हाँ, काफी महत्वपूर्ण न्यूज है ये मध्य प्रदेश से रिलेटिव, और मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक के हिसाब से भी काफी खुशखबरी वाली बात है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर सिंगरौली, सागर, रीवा या सतना। तो इसका राइट आंसर है आपका सिंगरौली। जी हाँ, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी इसे कहा जाता है। सिंगरौली में मिले हैं हजारों टन सोने के भंडार, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैं आपको सिंगरौली से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। जैसे कि सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, यह आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दक्षिणी एवं आप पश्चिमी दोनों जिले आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं बताएंगे कल मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए इसके बाद देखते हैं सिंगरौली से इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट है। सिंगरौली सी से जो ब्यासी सही रेखा गुजरती है, टाइम रेखा गुजरती है, वह सिंगरौली से ही गुजरती है। भारत की टाइम लाइन है ये, मध्य प्रदेश के केवल एक जिले से गुजरती है, जो कि है आपका सिंगरौली। ऊर्जा राजधानी भी सिंगरौली को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पर पाई जाती है, वह भी यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट सिंगरौली से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि सिंगरौली के अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से बराबर भागों में काटती है, यह मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, 14 जिलों से गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए आते हैं हमारे इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं सिंगरौली से। तो मध्य प्रदेश सिंगरौली में मिला लाखों टन सोने का भंडार, GSI ने किया खुलासा। आगे मैं आपको बताऊंगा ये GSI है क्या। कोयला भंडार के कारण देश भर में ऊर्जा राजधानी, जैसा कि मैंने आपको बताया था सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, नाम से अपनी पहचान स्थापित कर चुके मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में मिला लाखों टन सोने का भंडार, और यह खुलासा किया GSI ने। जिले के चिंतरणी और चिखरिया गांव में एक स्वर्ण ब्लॉक बनाया जा चुका है। वहीं सोने की नई खदान सिलफोरी और सिघारी में मिले, जिसमें 7.29 मिलियन टन सोने के भंडार होने का अनुमान बताया जा रहा है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, कितना अनुमान लगाया गया है, लगभग 7.29 मिलियन जो टन है वह सोने के भंडार का अनुमान लगाया गया है। बताया जाता है कि जल्द ही इसकी नीलामी प्रक्रिया का हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। चलिए देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था GSI इसका फुल फॉर्म है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। जी हाँ, इसे कहा जाता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, और इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटिश काल में ही। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, खान मंत्रालय के अधीन आता है, कार्यरत एक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 4 मार्च 1851 में। जी हाँ, यहाँ पर देखिए आप 4 मार्च 1851 में, और इसका मुख्यालय कलकत्ता में है, जो अभी भी वहीं पर है। इसका कार्य भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करना है। ये इस तरह के दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है। विकिपीडिया के अनुसार यह दुनिया के उस समय के सबसे प्राचीन जो पुराने संगठन थे उनमें से एक संगठन यह अभी भी है, और इसकी स्थापना हुई थी अंग्रेजों के समय में। चलिए आते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय प्रताप सिंह तोमर के निधन पर विभिन्न मंत्रियों ने तथा CM ने भी किया शोक व्यक्त, यह कौन थे। आपके ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर के छोटे भाई, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इनके छोटे भाई हैं, तथा इसलिए शिवराज सिंह चौहान तथा अन्य जो बड़े मंत्रीगण हैं उन्होंने शोक व्यक्त किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जाने यह कौन है। चलिए इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस शहर को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपको पता होना चाहिए कि स्मार्ट सिटी की बात की जाती थी, और अभी ये नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है मिनी स्मार्ट सिटी। तो मध्य प्रदेश की प्रथम मिनी स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किसे किया गया है। तो आपके ऑप्शन है खुरई नगर, बेगमगंज नगर, सागर नगर, या फिर हाट पिपलिया नगर। तो आपका ऑप्शन राइट है खुरई नगर। जी हाँ, खुरई सागर जिले की एक तहसील है जो कि नगर पालिका है, और यहाँ से विधायक चुनकर आते हैं हमारे नगरीय निकाय मंत्री। कौन है,
भूपेंद्र सिंह। जी हाँ, पूर्व गृह मंत्री भी हैं ये, परंतु वर्तमान में नगरीय निकाय मंत्री हैं और यह खुरई से चुनकर आते हैं तथा इन्होंने मदद की लगभग 22 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया और कहा कि हम खुरई को बनाने जा रहे हैं मिनी स्मार्ट सिटी। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह मध्य प्रदेश की प्रथम मिनी स्मार्ट सिटी बन गई है और एक नई तरीके का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है। चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। खुरई बनेगा मिनी स्मार्ट सिटी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह द्वारा खुरई को 22 करोड़ से अधिक विकास कार्यों की क्या की गई, घोषणा की गई। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगेन रिलेटिव है कोरोना तथा अस्पताल एवं स्वास्थ्य विभाग से रिलेटिव। तो हमेदिया में 3 प्रवेश द्वार शुरू करने का आदेश किसके द्वारा दिया गया है? आपके ऑप्शन है मंत्री विश्वास सारंग, तुलसी सिलावट, इमरती देवी, शिवराज सिंह चौहान। तो इसका राइट आंसर है आपका मंत्री विश्वास सारंग। मंत्री विश्वास सारंग कौन है? यह शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्होंने अभी जो मंत्रालय गठित हुआ था उसमें इन्होंने शपथ ली है और इसी के साथ साथ यह गए थे हमेदिया को चेक करने के लिए और इसी के साथ इन्होंने इसकी घोषणा की। तुलसी सिलावट, जैसा कि सभी को मालूम हो, जनशासन मंत्रालय, इमरती देवी बाल विकास मंत्रालय और शिवराज सिंह चौहान जनसंपर्क मंत्रालय तथा महिला विकास मंत्रालय और मध्य प्रदेश के सीएम भी यही है, यह तो सबको मालूम होगा। और ऐसे अन्य मंत्रालय जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए हैं। अब यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है स्वास्थ्य से संबंधित, तो यहाँ पर हम जो विगत महीनों में कुछ हुए उनका रिवाइज करते हैं। जैसे कि किल कोरोना अभियान कब से शुरू किया गया? 1 जुलाई से, अभी तक आप लोगों को याद हो चुका होगा। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? डोर टू डोर लोगों का सर्वेक्षण किया जाएगा। सेकंड हम इसके अंतर्गत देखते हैं लगभग कितनी लैबें कार्यरत हैं मध्य प्रदेश में? लगभग 27 लैबें कार्यरत हैं और जब कोरोना महामारी आई थी तो कितनी लैबें कार्यरत थी? केवल 1 लैब कार्यरत थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए हमारे महामारी से संबंधित। चलिए देखते हैं हमारे यहाँ पर देखते हैं क्या था हमारा पूरा यह क्वेश्चन। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने मरीजों की सुविधाओं को मद्देनजर हमीदिया अस्पताल में 3 प्रवेश द्वार एवं निगम द्वार की व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया है। इन्होंने सबसे पहले फतेहगढ़ वाला पुराना गेट आमजन के लिए जल्द खोलने का क्या किया है, आदेश दिया है। क्योंकि जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, अस्पतालों में बर्डन बढ़ रहा है और हमीदिया एक जाना माना अस्पताल है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। चलिए आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत अभी तक महिला स्व सहायता समूहों द्वारा कितने मास्क बनाए गए हैं? आपके ऑप्शन है 10 लाख से अधिक, 33 लाख से अधिक, 12 लाख से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका 10 लाख से अधिक। जी हां, महिला स्व सहायता समूह जीवन शक्ति योजना, जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई कोरोना काल में एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह को मास्क निर्माण के कार्य में लगाया गया, जिससे 2 कार्य हुए। एक तो महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति हुई तथा सेकंड मास्क की उपलब्धता बनी रही। तो 10 लाख से अधिक लोगों को इसके अंतर्गत मदद मिली है। चलिए देखते हैं मास्क से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो विगत महीनों तथा हफ्तों में हुए हैं, जैसे कि रोको टोको कार्यक्रम। जी हाँ, रोको टोको कार्यक्रम मैंने आपसे डिस्कस किया था। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे लोग जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें रोक टोक कर एक सामाजिक आंदोलन शुरू किया जा रहा है, जिससे लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता आए तथा मास्क लगाएं। अगर वो मास्क नहीं लगाते हैं तो उन्हें 20 रुपये में मास्क उपलब्ध कराया जाएगा, वो भी इन्हीं जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत निर्मित महिला स्व सहायता समूह का मास्क उपलब्ध कराएंगे गवर्नमेंट, इस तरीके की पुलिस या अन्य जो भी इंस्टीट्यूशन है वो। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन पर। जैसा कि सभी को मालूम है, हम लोग डेली बेसिस पर पूछते हैं आपसे एक क्वेश्चन। कल मैंने आप लोगों से पूछा था मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व क्या है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छे से आंसर दिया है, मगर अभी भी बहुत कम लोग आंसर दे रहे हैं। काफ़ी अच्छे से आप लोग आंसर दीजिए प्लीज़। इसका राइट आंसर है कान्हा केसली। चलिए एक और हम क्वेश्चन इसी से पूछते हैं टाइगर रिजर्व से ही संबंधित। तो मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? आपका आज का यह सवाल है, मैं अगेन आप लोगों से नम्र निवेदन करूंगा, प्लीज़ जाइए कमेंट सेक्शन में और इसका आंसर जरूर दीजिए प्लीज़। अगर आप आंसर देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपका मनोबल भी बढ़ेगा। तो आपको बताना है यहाँ पर मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, अगेन अच्छे से समझ लीजिए, आपको टाइगर रिजर्व बताना है। और अगर आप बता सकते हैं कि कितने नेशनल पार्क हैं, कितने अभयारण्य हैं, तो यह भी काफ़ी अच्छा होगा। चलिए आते हैं हमारे स्टेटिक जीएस पर। जैसा कि सभी को मालूम है, हम लोग डेली बेसिस पर मध्य प्रदेश के कुछ स्टेटिक जीएस का डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं। तो अभी हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश के साहित्यकार को देख रहे थे, वही सीरीज हमारी कवर हो चुकी है। हमने
तीनों जो साहित्यकार हैं मध्यकालीन प्राचीनकालीन तथा आधुनिक सभी को कवर कर लिया है। और आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश के पर्वत, इसके अंतर्गत हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें हम मध्य प्रदेश के विभिन्न पर्वतों को अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला पर्वत है यहाँ पर विंध्याचल पर्वत, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्वत है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आपके सामने रहा यह है विंध्याचल पर्वत, यह हिमालय से भी प्राचीन पर्वत है, यानी यह प्राचीन बलित पर्वतों में आते हैं जो नर्मदा नदी के उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 457 से 610 मीटर तक है, लेकिन कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 914 मीटर तक भी मिलती है। इसके उत्तर में क्या है? मालवा का पठार। इस पर्वत की ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक। काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट सबसे अधिक है कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पूर्वी क्षेत्र में यह भांडेर पर्वत के नाम से जाना जाता है, इसे कुछ भागों में बांटा जाता है। तो पूर्वी क्षेत्र में यह किस नाम से जाना जाता है? भांडेर पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इससे अनेक नदियां नर्मदा, कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? नर्मदा, सोन, केन, बेतवा आदि निकलती हैं। यह क्वार्टर जाट के बालू के लाल पत्थरों से बना है। इन चट्टानों को भवन निर्माण के लिए अधिकतम काम में लाया जाता है। यह हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को भेजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।